करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट के एंटरटेनमेंट डेस्क पर। और जैसा कि सब जानते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरें हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के पिटारे में आपके लिए खास क्या है। बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे चल रहे हैं जिनका उनके रोल्स या परफॉर्मेंस की वजह से किसी खास किस्म का टैग उनके साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के साथ। इमरान हाशमी बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर एक्टर माने जाते हैं। किसी फिल्म में अगर इमरान हाशमी हैं तो ये बात की गारंटी ज़रूर है कि भाई उसमें इंटीमेट सीन भले ही ना हो लेकिन किसी सीन तो ज़रूर होंगे। फैंस भी इमरान हाशमी की फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं, मगर फिल्मों में बेबाकी से किसिंग सीन देने वाले इमरान हाशमी ने अचानक ऐसा करना बंद कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसा करना बंद क्यों कर दिया है और इमरान हाशमी आगे भी आपको किसिंग सीन करते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। क्या अब वो सीरियल किसर नहीं रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब देगी आपको हमारी ये वीडियो। एक्टर के जन्मदिन के मौके पर, खैर सबसे पहले हैप्पी बर्थडे इमरान हाशमी, सॉरी। खैर एक्टर के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के वो खास जवाब। इमरान हाशमी का जो जन्म है वो आता है 24 मार्च 1979 में। भाई उनका जन्म हुआ था मुंबई में ही हुआ था। एक्टर ने साल 2002 में राज फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2003 में फुटपाथ फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, बॉलीवुड में डेब्यू किया। मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने, गैंगस्टर, आवारापन, जन्नत, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। मगर धीरे धीरे ऐसा देखने के लिए मिला कि इंटीमेट सीन और किसिंग सीन करने वाले इमरान हाशमी ने फिल्मों में किसिंग सीन्स करना बंद कर दिया। भले ही आज भी उनके साथ ये टैग पूरी तरीके से नहीं हटा है, लेकिन असलियत यही है कि अब इमरान हाशमी फिल्मों में किसिंग सीन देते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। वो शंघाई, एक थी डायन, घनचक्कर, उंगली, हमारी अधूरी कहानी, अजहर, बादशाहो, वेलकम टू न्यूयॉर्क, चीट इंडिया, मुंबई सागा और द बॉडी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं किसिंग सीन ना देते हुए। इसके अलावा आगे वो चेहरे और गंगूबाई कात्यावाड़ी, इजरा में आपको नजर आने वाले हैं। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट की माने तो इमरान हाशमी को ऐसा लगता है कि फिल्मों में किसिंग सीन की अब वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई है। कुछ सालों पहले लोग किसिंग सीन्स के खिलाफ हुआ करते थे, ऐसा इंडस्ट्री के अंदर भी होता था, मगर अब बेहद कॉमन हो चुका है। साथ ही एक्टर का ये भी मानना है कि ऐसा होने लगा था कि उनकी फिल्म का कंटेंट भले ही अच्छा ना हो लेकिन अगर आप किसिंग सीन या इंटीमेट सीन दे दें तो फिल्म चल जाती थी। ये बात इमरान को जरा अलग बताती है, मगर एक्टर इस बात से अब खुश हैं कि इंडस्ट्री में बाकी एक्ट्रेस भी किसिंग सीन को लेकर काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इमरान हाशमी अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं। उन्होंने साल 2006 में परवीन साहनी से शादी की थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी है जिसके साथ इमरान अक्सर फोटो शेयर करते हुए नजर आते रहते हैं। वहीं उनका रिश्ता बॉलीवुड के दिग्गज भट्ट परिवार से भी है। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट रिश्ते में इनके अंकल लगते हैं, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट इनकी कजन सिस्टर्स लगती हैं। खैर अब आपकी जो इमरान हाशमी ने स्टेप लिया है उसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।